नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। इस दीपावली पर लौंग के इस महा उपाय से आपके बिगड़े हुए सारे काम बनेंगे। जी हाँ, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा कि लौंग कितनी महत्वपूर्ण है और व्यवसाय में उसकी क्या भूमिका बन सकती है। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग पूजन पाठ करते हैं, पूजन की क्रियाओं में, पद्धतियों में लौंग का इस्तेमाल करते हैं। लौंग कपूर की आरती कर देते हैं भगवती की, या लौंग भगवान को चढ़ा देते हैं वो तांबूल के रूप में, आदि आदि तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियां होती हैं। लेकिन क्या इस लौंग से जो हमारे बंधन हैं, जो शारीरिक बंधन हैं, जो शारीरिक पीड़ाएं हैं, या फिर लक्ष्मी की आसक्ति हमारे जीवन में सम्मिलित हो सकती है? तो आपको बताएं इस लौंग का महा उपाय। एक पात्र में, चांदी की कटोरी में 5 फूल लौंग आप लीजिए। 5 फूल लौंग को जब आप दीपावली की रात्रि में पूजन कर रहे हों, उसी समय उस कटोरी को स्थापित कर दीजिए। लौंग में थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा दीजिए, ध्यान रहे कि वो फूलदार लौंग हो। लेकर के आप बैठें और सुंदर लाल वस्त्रों को धारण करें या पीले वस्त्रों को धारण करें। लाल आसन पर विराजमान होकर के लक्ष्मी जी के महामंत्र का जप करने से पूर्व आप माँ भगवती महाकाली का ध्यान करें। महाकाली का ध्यान करने पर लक्ष्मी के आवागमन में आने वाले संपूर्ण दोष या लक्ष्मी के आवागमन में बाधित होने वाले मार्ग वह खुल जाएंगे। अब काली की उपासना करनी है और वो 5 लौंग आपको उसी पात्र में ही रखना है। काली या लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने उस 5 लौंग के जो है पात्र को, उसको आप रख दीजिए। अब करना क्या है आपको, रुद्राक्ष की माला पर ओम क्रां क्रीं क्रूं सह काल्यै नमः। फिर से एक बार सुने, ओम क्रां क्रीं क्रूं सह काल्यै नमः। इस महामंत्र का कम से कम 11 माला जप, यानी एक माला में 108 बार मंत्र जपा जाएगा, तो 11 माला आपको जप करना है। जप करने के बाद इस लौंग को एक पीले कपड़े में बांध देना है, और पीले कपड़े में बांध करके आप जहां अपना अध्ययन अध्यापन करते हैं, या फिर जहां आपने अपनी तिजोरी बना रखी है, या वहां, या फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जब आप घर में एंट्री कर रहे हों, तो दाहिनी तरफ आपको ये दिखाई ना पड़े, कोई टोका टाकी ना हो, आपको यही बांध देना है। बांधने के बाद आप देखिएगा, 11 दिन के बाद यानी अमावस्या से आने वाली जो एकादशी तिथि है, वहीं से आपके धन के मार्ग, लक्ष्मी आवागमन के मार्ग पहली बात तो खुल जाएंगे। दूसरा ये कि यदि घर में किसी भी तरीके की नकारात्मकता है, जिसकी वजह से दवा में पैसा अधिक जा रहा है, तो वह नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तीसरा ये, शत्रु अधिक प्रबल हैं, बहुत सारी योजनाएं आपके लिए बना रहे हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में उनकी योजनाएं उन्हीं के ऊपर जा करके गिरेंगी। चौथा ये कि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, यह लौंग का उपाय। और एक बात और, अगर कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है तो आप 5 फूल लौंग ना रख करके 7 फूल लौंग आप रख लीजिएगा, और 2 फूल लौंग उसमें बिना सिंदूर लगा हुआ 2 फूल लौंग को उठाइएगा, और उस बीमार व्यक्ति को जप करने के बाद अमावस्या की रात्रि में एक एक करके दीजिएगा। एक फूल पहले खिला दीजिएगा और एक फूल जो है अगले दिन जब प्रतिपदा आ जाए। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के अंदर जो फैला हुआ व्याधि, जो रोग है, वह रोगों का समन भी हो जाएगा। इस दीपावली पर इस लौंग का एक खास महा उपाय आप करके देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार आएंगे, उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे, कलह क्लेशों से तमाम प्रकार से निजात भी मिलेगी। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।